हाय गाइस, आपको हमारे YouTube चैनल ERMS सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं परसेंटेज, और इससे पिछली में हम पढ़ा चुके हैं परसेंटेज का पार्ट 5, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 तक पढ़ा चुके हैं। आप हमारे YouTube चैनल ERMS सर में जाकर वो वीडियो को ऑन करके देख लीजिएगा कि हाँ उसमें क्या पढ़ाया गया, क्या नहीं पढ़ाया गया। ये है पार्ट 6 पढ़ाने जा रहे हैं, क्लियर है। तो ये देखते हैं कि इसमें कुछ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व आउट करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, यदि किसी भिन्न, भिन्न क्या होता है, भिन्न को बोलते हैं कि जो अंश बटाहार होता है उसे क्या बोलते हैं, भिन्न। यदि किसी भिन्न के अंश को 40% बढ़ाया जाए, पहले तो हम एक भिन्न लिख लेते हैं, भिन्न लिख लेते हैं, मान लीजिए p बटा q करके कोई भिन्न है, ठीक है। अब कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश को 40% बढ़ाया जाए, तो हमेशा 100% चीज़ जो होती है, जब 40% बढ़ाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 140% हो गया, ठीक है। और हर को 30% घटाया जाए, अगर जो हर है उसको 30% घटा दिया जाए, तो 100 से 30% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या कर रहा है कि घटाया जाए तो भिन्न 6/7 हो जाती है, भिन्न कितनी हो जाती है, 6/7 हो जाती है, ठीक है। तो कह रहा है ये जो आपका भिन्न है पी बाई क्यू, इसका मान बताइए, तो मूल भिन्न ज्ञात करो, मूल भिन्न मतलब है p बाई क्यू की वैल्यू, ठीक है। तो इसमें देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें ये कहा गया है कि कोई भिन्न है, हम भिन्न मान लेते हैं p बटा क्यू, और उसके अंश में हम 40% की वृद्धि करते हैं, तो 40% की वृद्धि करेंगे तो 100 से कितना जाएगा, 140 हो जाएगा। और हर को 30% घटाते हैं, हर को 30% घटाएंगे तो 100 से 30 कितना हो जाएगा, 70। और तब मूल भिन्न कितना हो जा रहा है, 6/7, तो क्या आ जा रहा है, 6/7। तो फिर क्या रहा है, तो भिन्न 6/7 हो जा रहा है, ठीक है। तो बोला है मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, तो मूल भिन्न मतलब पी बाई क्यू की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोला है, तो इससे कैंसिल आउट करेंगे तो दो बार जाएगा हम, इसके बाद क्या होगा, पी बाई क्यू इंटू टू इक्वल्स टू 6/7, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 × 3 = 6, तो पी बाई क्यू, पी बाई क्यू इसको कितना हो गया, 3/7, तो मूल भिन्न आपका कितना हो गया, 3/7, क्लियर है। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न का अंश 10% बढ़ा जाए, तो मेथड वही है, अगर हम क्या करते हैं, कोई भिन्न है, मान लीजिए पी बटा क्यू कोई भिन्न है, ठीक है। अब उसमें क्या करते हैं कि भिन्न के अंश को 10% बढ़ाते हैं, अंश को हमने क्या कर दिया, 10% बढ़ा दिया तो 110 हो गया, ठीक है। अब हर को क्या करते हैं, 20% घटा दिया जाता, 100 से 20% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा, 80%। तब मूल भिन्न कितनी हो जाए, तो भिन्न कितनी हो जा रही है, 12/13। तो कह रहा है मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, मूल भिन्न मतलब पी बाई क्यू की वैल्यू ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि किसी भिन्न का अंश 10% बढ़ाया जाए, कोई भिन्न है मान लीजिए p बाई क्यू, उसका अंश 10% बढ़ाया जाए, कोई भी चीज़ होती है तो 100% होती है, अगर 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तब हर को 20% घटा दिया जाए, तो 100% कोई संख्या होती है उसे 20% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा, ये हो गया। तो भिन्न जो 12/13 हो जाती है, भिन्न कितनी हो गया, 12/13। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, तो अब इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, अब 8 का मल्टीप्लिकेशन इधर होगा और 11 का मल्टीप्लिकेशन इधर होगा, ठीक है। तो p बट्टा q बराबर आया 12 × 8, और ये 13 है और गुणित 11 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो 12 × 8 = 96, और 11 में 13 का गुणा करोगे तो 11 × 3 = 33, हाँ से लगा 3, 11 × 11 = 11 × 3 = 14। तो p बाई q की वैल्यू कितनी आ गई, 96/143। तो उसका मूल भिन्न क्या था, मूल भिन्न 96/143, क्लियर है। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम था, अब आते हैं ये 3 और 4, 3 और 4 भी क्वेश्चन दोनों क्या है, एक से हैं, हम 3 ही बता रहे हैं और 4 ही बता रहे हैं, बस आप कंटिन्यू बने रहिए, क्लियर है। तो इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं,
क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि एक अभ्यर्थी को 35% अंक मिले, एक अभ्यर्थी को 35% अंक मिले और वह 40 अंकों से फेल हो गया, ठीक है, मतलब उसे 35% अंक मिले थे फिर भी वो 40 नंबर से फेल हो गया, यानी कि 35% अंक मिले और 40 नंबर और पाता तो वो पास हो जाता, यहाँ तक आ गए। तथा एक अन्य को 60% अंक मिले और वह 35 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, यानी उसे 60% अंक मिला और वो 60% अंक पाया था, उससे मतलब पास जितना होना चाहिए था, जितने पास मार्किंग के लिए होता है उससे 35 नंबर ज़्यादा पा गया वो, ठीक है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए, तो अधिकतम अंक होने का मतलब होता है कि 100% होता है, ठीक है। तो यहाँ एक ही कॉन्सेप्ट रखिए दोनों जगह पास होने की, जैसे एक अभ्यर्थी है तो इधर भी इसको लिखते हैं पास, इधर भी इसको लिखते हैं पास, कि दोनों कब पास माने जाएंगे। एक अभ्यर्थी को 35% अंक मिला, कितना मिला 35%, और वह 40 अंकों से फेल हो गया, यानी कि अगर उसे 40 अंक और मिल जाते तब वो पास हो जाता, यानी 35% अंक मिले थे और 40 अंकों से फेल हो गया, क्लियर है। तो अगर उसे 40 अंक और मिल गए होते तो पास हो जाता, तो हम इसमें क्या करते हैं इसको प्लस 40 कर देते हैं, यानी अगर ये 40 अंक और पाता तब पास होता, क्लियर है, ओके। अब दूसरा देखते हैं, एक अन्य को 60% अंक मिले, 60% अंक मिले और वह 35 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, यानी जो उसे 60% अंक मिला तो उससे जो उत्तीर्णांक था, जो जिससे पास मार्किंग बोलते हैं, उससे 35 नंबर ज़्यादा मिल गया, तो यानी वो पास मार्किंग से 35 नंबर ज़्यादा है, तो उसे पास मार्किंग तक लाने के लिए 35 नंबर हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो हम क्या करेंगे 35 नंबर यहाँ से घटा दिए, तो दोनों कंडीशन में दोनों लोग क्या हो गए पास हो गए। ये 40 नंबर कम पाया था तो इसको हम 40 ऐड कर दिए तो ये पास मार्किंग ये हो गया, ये 35 नंबर ज़्यादा पाया था इसमें 35 नंबर घटा दिए, तो ये मतलब दोनों लोग अब बराबर हो गए, क्लियर है। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ 60% है, तो अंक अंक को एक साइड करते हैं, प्रतिशत प्रतिशत को एक साइड करते हैं, तो 60% इधर है, तो 35 वाले को उठा के इस साइड लाते हैं, तो जानते हैं पक्षांतर में क्या होता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, तो ये कितना है 40 है, ये इस साइड आएगा, कितना हो जाएगा प्लस 35, ये कितना है 60%, ये 35 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 35%, ठीक है। अब 60 में से 35 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25, ठीक है, और इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 7, तो 25% बराबर 75 है, तो 1% बराबर क्या होगा 75/25, तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो 3, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई 3, इतना सही है। तो बोल रहे परीक्षा में अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए, अधिकतम अंक मतलब 100% मैक्सिमम मार्क्स, तो 100% होता है, तो अधिकतम अंक, अधिकतम अंक जो होगा वो कितना होगा 100% होगा, और 100% जब 1% बराबर 3 है तो 100% बराबर 100 × 3 बराबर 300, ये हो गया आपका आंसर, क्लियर है। अब बात को समझिए, हो कह रहा है यहाँ पे एक अभ्यर्थी को 35% अंक मिले और 40 अंकों से फेल हो गया, कोई स्टूडेंट था उसे 35% अंक मिले लेकिन वो 40 नंबर से फेल हो गया, तो उसे अगर हम पास कराना होगा तो हम क्या करेंगे 35% पाया उसमें 40 नंबर और एड कर देते हैं, 40 अंक से फेल ही हुआ था तो 40 प्लस कर देते हैं तो वो पास हो जाएगा, 40 प्लस कर देते तो पास हो गया, ओके। फिर दूसरा कोई स्टूडेंट था वो 60% अंक पाया था और 35 अंक ज़्यादा पा गया था, तो यानी पास मार्किंग से वो कितना है 35 नंबर ज़्यादा है, तो अगर हम 35 घटा देंगे तो पास मार्किंग तक आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 60% पा है और वो पास है लेकिन वो 35 नंबर ज़्यादा पा गया है, तो पास मार्किंग तक लाने के लिए क्या करेंगे हम उसमें से 35 अंक घटा देंगे, ठीक है। तो अब दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, अब हम क्या करते हैं प्रतिशत वाले को प्रतिशत साइड लेते हैं, अंक वाले को एक अंक वाले लेते हैं, ये 60% है इसको उठा के इस साइड लाएँ तो 35% माइनस हो जाएगा, 35 को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस था इसलिए प्लस हो गया, ऐड करेंगे इसको घटाएंगे इसको ऐड करेंगे तो 25% बराबर 75 हो गया, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 3। अधिकतम अंक, अधिकतम अंक क्या होता है अभी होता है ना, बहुत करेगा आदमी 100% पाएगा, अब 100% से ज़्यादा थोड़ी पा सकता है, 100% में 100% ही पाएगा, अब थोड़ी नहीं है कि 100% में 101% पा गया,
ऐसा थोड़ा ही होता है। तो अधिकतम अंक कितना होगा 100% हो गया। जब 1% वैल्यू बराबर 3 है तो 100% वैल्यू बराबर क्या होगा 100 × 3 = 300। तो जो अधिकतम अंक है वो हो जाएगा 300 और यही आपका क्या होगा आंसर। ओके तो इसको इरेज कर देते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं। क्लियर है? प्लीज इसको भी देखते हैं क्या कह रहा है। ए को एक परीक्षा के पूर्णांक का 20% प्राप्त हुआ तथा वह 10 अंकों से फेल हो गया। अगर 20% प्राप्त किया, 20% पाया लेकिन 10 अंक से फेल हो गया, तो अगर हमें ए को पास कराना है तो ए को पास कराना है हमें। देखो ए इधर है और इधर कौन है, बी है, तो बी है, और दोनों को हमें पास कराना है, इसको भी पास कराना है, इसको भी पास कराना है, ठीक है। ए को एक परीक्षा के पूर्णांक का 20% प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ 20% प्राप्त हुआ तथा वह 10 अंकों से फेल हो गया। अब 10 अंकों से फेल हुआ यानी इसमें उससे का 10 नंबर और दे दिया जाए तो वो पास हो जाएगा। तो हम इसमें इसको 10 नंबर दे देते हैं, ये पास ही हो जाए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, उसी परीक्षा में बी को पूर्णांक का 50% प्राप्त हुआ। ये जो बी था इसको कितना प्राप्त हुआ 50%, एक पढ़ने में काफ़ी सही होगा, ठीक है, देखते हैं। 50% प्राप्त हुआ और वह 20 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। जब वो 50% अंक पाया था तो वो क्या हुआ था, जो जितना पास मार्किंग होता है उससे 20 नंबर ज़्यादा ला लिया, ठीक है। जब 20 नंबर ज़्यादा ला लिया तो पास मार्किंग तक लाने के लिए क्या करेंगे, हम उसको 20 घटा देंगे क्योंकि उसके पास 20 ज़्यादा है, ठीक है। तो पास बराबर मतलब पास मार्किंग तक लाने के लिए उसमें क्या करेंगे, हम 20 घटा देंगे। इसमें से हम क्या कर रहे हैं, 20 घटा दे रहे हैं। तो कह रहा है कि उत्तीर्ण हो गया, परीक्षा का उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए अधिकतम अंक और उत्तीर्णांक दोनों क्या है, दोनों डिफरेंस है। अधिकतम अंक मतलब होता है 100% की वैल्यू, उत्तीर्णांक मतलब होता है कि जो पास मार्किंग होती है हमारी, चाहे 30% पास मार्किंग हो, चाहे 40%, 33% ऐसे करके होता है, तो उसको पास मार्किंग पूछ रहा है, ठीक है। तो हम पास मार्किंग देखते हैं, पहले तो हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। ये 20 उठा के इस साइड कर देते हैं, इसको 20 उठा के इस साइड कर देते हैं, तो यहाँ पर 10 है, 20 साइड आया तो क्या हो गया, प्लस हो गया 50%, इसको उठाए इस साइड तो -20%, ये कितना हुआ 30 = 30%। तो 30% = 30, तो 1% = क्या हो गया, 1 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए अधिकतम अंक नहीं पूछा है, अधिकतम अंक पूछा होता तो जब 1% वैल्यू 1 है तो 100% वैल्यू 100 हो जाएगी, लेकिन ये उत्तीर्णांक पूछा है यानी कि पास मार्किंग पूछा है। तो पास होने के लिए चाहे इसको देखो, ये भी पास है, ये भी पास है, तो पास उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक चाहे आप इसको ले लो, 1 को पास कराने से 20% + 10, तो 1% वैल्यू कितना है 1 है, तो 20% वैल्यू कितना जाएगा 20 और प्लस 10, तो 20 + 10 = 30। यानी जो उत्तीर्णांक है पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, 30 नंबर चाहिए। आप चाहे बी से भी ट्राई कर लोगे, जैसे बी भी पास हुआ है तो बी को क्या करोगे, यहाँ पे 50% और माइनस 20, 50% जब 1% की वैल्यू 1 है तो 50% की वैल्यू 50 हो जाएगी, 50 - 20 = 30। तो देखिए आंसर सेम आ गया नहीं आ गया, अब चाहे इधर 10 लीजिए, चाहे 10 लीजिए, चाहे 10 लीजिए, क्लियर है। तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको क्या करिएगा, रिवाइज करिएगा, और अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम आपको और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, अभी ये 4 क्वेश्चन आप इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको 5वां, 6वां, 7वां, 8वां जो भी रहेगा बताता है, ठीक है। ओके गाइस, तो अभी हमने आपको 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक बताया था, अब क्वेश्चन नंबर 5 to 9 चलते हैं, क्लियर है। तो 1 by 1 करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप बने रहिए हमारे भी वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि एक विवाह समारोह में 32% महिलाएँ हैं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। देखिए महिलाओं को परसेंटेज में बताया है और पुरुष को भी परसेंट बताया है, लेकिन बच्चों को परसेंटेज में नहीं बताया है। ओके, उस विवाह समारोह में कुल कितने पुरुष हैं, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि उस विवाह समारोह में कुल कितने पुरुष हैं। तो अच्छा, कोई विवाह समारोह जब होता है तो उसमें मान लेते हैं 100% लोग गए हैं, 100%, ठीक है। 100% होने का मतलब है कि कौन जाएगा, पुरुष जाएंगे, महिलाएं जाएंगे, बच्चे जाएंगे, और तीनों लोग यहीं पे हैं। तो 100% में बोला है 32% महिलाएं हैं,
32% कितनी हैं? महिलाएं हैं, ठीक है। 54% पुलिस है, पुरुष हैं, सॉरी पुलिस नहीं पुरुष, 54% क्या है? पुरुष हैं, ठीक है। और फिर कह रहा है कि 196 बच्चे हैं, कितने हैं? 196 बच्चे हैं, इतना सही है। अब आप थोड़ा सा नोटिस करिए कि 100% 32% क्या है? महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं, तो कितने परसेंट बच्चे होंगे? तो हम इन्हीं के योग करके घटा दें 100 में से, तो बच्चे कितने हो जाएंगे? 100% में से हम घटा देंगे किसको? इन दोनों को ऐड करके, 32% प्लस 54%, ठीक है। तो 100% इज माइनस, तो क्या होगा? 4 2 6 5 3 8, यानी कि हमारे पास 14% क्या है? बच्चे हैं, और 14% की वैल्यू दी गई है 196, क्लियर है। तो हमें 1% की वैल्यू अगर निकालनी हो तो क्या करेंगे? 196 बटे 14, 14 का भाग देंगे तो 14 बार जाएगा, तो 1% बराबर हो गया 14, इतनी बात सही है, ठीक है। और फिर कह रहा है तो 54% क्या है? पुरुष हैं, तो पुरुषों की संख्या वही पूछा ही है, पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या कितनी है? 54% है, तो 1% बराबर जब 14 है तो 54% बराबर क्या होगा? 54 × 14, तो 14 × 4 = 56, यहाँ से लगा 5, 14 × 5 = 70, और 70 × 5 = 75, तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी? 756, क्लियर है। अब फिर ध्यान दीजिए, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं, और 196 बच्चे हैं, तो बोल रहा है कि पुरुषों की संख्या आप ज्ञात कीजिए। तो कोई भी विवाह समारोह होता है या फिर कोई भी फंक्शन हो गया, तो वहाँ पर बच्चे जाएंगे, पुरुष जाएंगे, महिलाएं जाएंगी, तो हम मान लेते हैं जो वहाँ की टोटल पॉपुलेशन है वो 100% है, ठीक है। तो 100% में 32% महिलाएं हो गई, 54% पुरुष हो गए हैं, ठीक है। अब बच्चों को जो है परसेंटेज में ना देके नंबर में दिया गया है, ठीक है। तो नंबर कितना? 196। तो जब पुरुष हो, महिलाएं हैं 32, पुरुष हैं 54, तो बच्चे कितने हो जाएंगे? हम क्या करेंगे? इनको दो को ऐड करके हम 100 में से घटा देंगे, तो कितने हो गए? 14%। 14% की वैल्यू दी गई 196, तो 1% की वैल्यू हो गई 14। अब पूछा है कि पुरुषों की संख्या बताइए, तो पुरुषों कितने? 54% हैं, तो 1% बराबर 14 है, तो 54% बराबर क्या होगा? 54 × 14 = 756। अगर ये महिलाओं की संख्या पूछता तो हम 32 × 14 कर देते हैं, यहाँ टोटल संख्या पूछता तो 1% बराबर 14, तो 100% बराबर 1400, तो ये आपका आंसर हो जाता है, क्लियर है। तो मिल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा लगाते हैं, और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं, स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं? तो आई थिंक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले बात तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 1400, ठीक है, उसमें से 25% चश्मा लगाते हैं, तो हम ये लिखेंगे चश्मा लगाने वाले छात्र, पहले चश्मा लगाने वाले कुल छात्र, तो टोटल छात्र कितने हैं? 1400। 25% को या तो आप 25% को 1/4 लिख लीजिए, या आपको लिखने का मन है तो 25% ही लिख लीजिए। तो 1400 × 25% मतलब होता है 100, कैंसिल आउट किए तो कितना होगा? 14 × 5 = 70, यहाँ से लगा 7, 14 × 2 = 28, 28 × 3 = 28, 300, 50। यानी कि उस स्कूल में लड़के लड़कियों को मिला के टोटल 350 लोग ऐसे हैं जो कि चश्मा लगाते हैं, यहाँ तक क्लियर है, ओके। फिर कह रहा है कि चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी है? जब 2/7 लड़के हैं तो लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी? 100% को हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं, तो पॉपुलेशन कितनी है? 100%, यानी 1 अगर ले लिए हम, और 2/7 क्या हैं? लड़के हैं, तो लड़की कितनी हो जाएगी? 7 × 1 = 7, और 7 × 2 = 5/7, इतनी बात सही है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम ये कह रहे हैं कि ये जो हम 1 लाए हैं, जैसे
इसमें क्या है कि इसने बटे में दिया, कहाँ गया फ्रैक्शन में, 2/7 दिया है, ये भिन्न में दिया है। और प्रतिशत हमेशा क्या होता है, 100% पॉपुलेशन होती है। स्कूल में क्या होगा, स्टूडेंट होंगे, बालिकाएं होंगे, बालक होंगे, छात्र होंगे, छात्राएं होंगी, तो 100% है। तो 100% की वैल्यू कितनी होती है, 100% बराबर क्या होता है, 1/100 कैंसिल आउट करेंगे तो 100% को हम क्या लिख सकते हैं, हम फ्रैक्शन में 1 लिख सकते हैं, तो 1 हो गया। उसमें से बालक 2/7 हैं, 2/7 हम बालक को घटा दिए तो बालिकाएँ आ गए 5/7। इतनी बात सही है। फिर क्या कह रहा है कि स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं, तो ये लड़कियां हो गई और टोटल इतने लोग चश्मा लगाते हैं, तो चश्मा लगाने वाली लड़कियां, चश्मा लगाने वाली लड़कियां टोटल छात्र छात्राओं को मिला के 350 लोग चश्मा लगाते हैं। छात्राएं जो हैं 5/7 ऐसी हैं जो कि चश्मा लगाती हैं, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 50 बार जाएगा, 50 का 5 में गुणा करेंगे तो 5×5=25 और 0, तो 250 ऐसी लड़कियां हैं जो कि क्या करती हैं, चश्मा लगाती हैं। कंफर्म, तो इसको आप क्या करिए, नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर हम बताते हैं आपको 7वां, ठीक है। कह रहा है एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन कितना हो जाता है, 24,000 हो जाता है, तो उसका पूर्व वेतन ज्ञात कीजिए। क्लियर है, तो ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति है वो 20%, इसको हम दो टाइप्स लगा देते हैं, मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति को 20% वृद्धि वेतन वृद्धि प्राप्त होती है, तो कोई चीज़ होता है 100% होता है, 100% से जब 20% वृद्धि हो गई, क्लियर है, तो 20% वृद्धि हो गई यानी वो 120 हो गया, तो 120% बराबर दिया है कि वो जब 20% वृद्धि होती है तो उसका वेतन कितना हो जाता है, 24,000 हो जाता है, यानी 120% बराबर कितना हो गया, 24,000, तो 1% बराबर क्या होगा, 24,000/120, ठीक है। तो फिर कह रहा है उसका पूर्व वेतन कितना था, पूर्व वेतन वही 100% था, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 100% बराबर 24,000 × 100/120, 0 0 कैंसिल, 12 × 2=24, 3 0 है, 1 2 3, यहाँ 1 0 है, ये 2 1 2, 3 0 यहाँ से, 1 यहाँ से, 1 2 3 4, तो उसका टोटल वेतन कितना था, 20,000, क्लियर है, मतलब पहले का वेतन कितना था, 20,000। इसको आप फिर से समझिए, एक व्यक्ति है उसके वेतन में 20% की वृद्धि होती है तो उसका वेतन 24,000 हो जाता है। पहले उसका वेतन कितना था, 100% था, जब 20% हम बढ़ा दिए तो 100 से 20% बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, 120% हो जाएगा, तो 120% बराबर दिया है 24,000, ठीक है, तो 1% बराबर हम इतना निकाल लेंगे। और फिर बोला है उसका पूर्व वेतन कितना था, तो 100 से ही 120 गया था ना, तो 100% था, तो 100% की वैल्यू निकाल लें तो इतना आ गया, 20,000 रुपये आ गया, क्लियर है। अब इसको अगर हम रेशियो मेथड से देखना चाहें, किससे देखना चाहें, रेशियो मेथड से, तो हम कहेंगे कि 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, ये उसका पूर्व वेतन मान लेते हैं, पूर्व वेतन मूल भी होता है ना, मूल संख्या तो नीचे वाली होती है, अब 20% बढ़ाया गया है तो यानी कि +1 किया गया है, 5 से 6 गया है, 5 से कहाँ गया है, 6, ठीक है, और जब 5 से 6 हो गया तो कितना होगा, 24,000, यानी कि 6 यूनिट बराबर है, 6 यूनिट का मान दिया है 24,000, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6 × 6=24,000, तो यही 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 यूनिट का मान हो जाएगा 5×4,000 गुणित कितना हो जाएगा, 20,000, तो उसका पूर्व वेतन कितना है, 20,000। तो ये आपका सेकेंड मेथड है रेशियो मेथड से, इसको आप फिर से समझ लीजिए, एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होती है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, वृद्धि की बात हो रही है तो यहाँ प्लस कर देंगे, अगर वही घटोत्तरी की बात होती है तो हम माइनस करते हैं, पहले उसका वेतन 5 था तो 5 से कितना हो गया, 6, और जब 6 हुआ तो उसका वेतन 24,000 हो गया, जब 6 यूनिट का मान 24,000 है तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 4,000, तो 5 यूनिट का मान क्या हो गया, 5 में 4,000 का गुणा करेंगे तो 20,000, तो उसका पूर्व वेतन कितना था, 20,000, ये आपका हो गया आंसर, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30% अपने छोटे बेटे को और राशि का 10% दान कर देता है। अब उसके पास 10,080 रुपये बचते हैं तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। चलिए हम देखते हैं, पहले बात तो सबका हम फ्रैक्शन देख लेंगे। 20% का फ्रैक्शन होते हैं 1/5, ठीक है। 30% का फ्रैक्शन होता है, 30% का फ्रैक्शन कहाँ गया, 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10 और फिर कितना है 10%, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, क्लियर है, इतना हो गया। तो उसके पास 10,080 रुपये शेष बचते हैं तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। देखिए पहली बात तो उसके पास 5 रुपये था तो उसने 1 रुपये अपने बड़े बेटे को दे दिया, ठीक है। तो अब इसके पास देखिए 5 रुपये था तो अब शेष कितना बचा, 4 रुपये, ठीक है, ये शेष राशि है, कन्फर्म। अब क्या हुआ, वो जब 30% आप क्या करता है छोटे बेटे को देता है, यानी 10 रुपये थे उसके पास, 3 रुपये अपने छोटे बेटे को दे देता है, बचता कितना है 7 रुपये। फिर क्या करता है, वो ट्रस्ट में दे देता है 10 रुपये, मान लीजिए उसके पास बच रहे हैं तो वो ट्रस्ट को दे देता है 1 रुपये, तो बचते हैं उसके पास कितने 9 रुपये, क्लियर है। अब इसका बुरा करेंगे तो 10 × 100 और 100 × 5 = 500, क्लियर है ना। इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 4 = 28, 28 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 × 72, ठीक है, 9 × 8 = 72 और 9 × 2 = 18, 18 × 7 = 25, ठीक है, ये हो जाएगा 4 × 7 = 28, 28 में जब 9 का गुणा करेंगे तो 9 × 72 और 9 × 2 = 18, 18 × 7 = 25, ठीक है, यानी ये बचत है उसकी। अब क्या कर रहा है कि 1,080 रुपये शेष बचते हैं तो 252 यूनिट बराबर दिया है 1,080, कितना दिया है 1,080। अब अगर आपको देखना है कि जब 252 यूनिट का मान 1,080 है तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1,080 में हम क्या करेंगे 252 का क्या कर देंगे हम भाग दे देंगे, तो इससे गुणा करते हैं 4 से तो कितना हो जाएगा, 4 × 8 4 × 5 = 20 4 × 2 = 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 × 6 = 24 और कितना हो गया, 4 × 3 = 12। अब 7 से काटते हैं, 7 × 3 = 21 4 × 6 = 42 0 और 7 × 9 = 63 यहाँ 9 × 6 = 36 कितना हो गया 40, ठीक है। तो इतने यूनिट का मान कितना है 40, यानी कि 252 यूनिट का मान है 1,080, यानी किस कितना गुना है 40 गुना, तो इसका 40 गुना कितना हो जाएगा, गुणा करते हैं 0 0 और 0, 5 × 20। तो उसका वेतन कितना था, उसकी आय ज्ञात कीजिए, तो उसकी आय कितनी थी 20,000 रुपये थे, क्लियर है। एक बार फिर देख लीजिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, तो 20% फ्रैक्शन होती है 1/5, शेष आय का 30% छोटे बेटे को, 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10, शेष राशि का 10% दान कर देता है तो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। तो उसके पास 5 रुपये थे, उसने अपने बेटे को 1 रुपये दे दिया बड़े बेटे को, तो उसके पास बचे कितने 4 रुपये, क्लियर। फिर उसने क्या किया कि अब मान लीजिए शेष उसके पास 10 रुपये बचे, उसने अपने छोटे बेटे को 3 रुपये दिए तो बच्चे कितने 7। फिर दान वाली बात आती है तो दान में वो 1 रुपये दे देता है जबकि उसके पास कितने रुपये बचे रहते हैं 10, तो 10 यहाँ हो जाता है, 1 रुपये जब बस दे देता है तो बचते हैं उसके पास 9 रुपये। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 252, तो कह रहा है कि उसके पास 10,080 रुपये बचते हैं, तो 252 यूनिट बराबर है 10,080, तो इसको जब हम एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 40, ठीक है। तो 252 में 40 गुणा किए तो 10,080 आया, तो पूछ रहा है इस 500 यूनिट का मान क्या होगा, तो 500 यूनिट में जब 40 गुणा करेंगे तो कहा जाएगा 5 × 20, यानी कि उसका पहले का वेतन जो उसकी आय थी वो कितनी थी 20,000 रुपये थी, कन्फर्म। और यही आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 कम्प्लीट हो गया था, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर, 10% यातायात पर खर्च करता है। देखिए इस वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में यही अंतर है कि इसमें शेष का दिया है, इसमें क्या हुआ क्लियर है। जैसे इसमें बात आती है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को देता है, तो 100 में से 20% अगर बड़े बेटे को देता है तो उसके पास 80% बचते हैं,
तो शेष आएगा 30% अपने छोटे बेटे को देता है, यानी 80% का 30% क्या करेगा, अपने छोटे बेटे को देगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन क्या है, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, तो 40% भोजन पर दे दिया, तो 100% अगर उसकी इनकम थी तो 40% अगर उसने भोजन पर दे दिया तो 60% बचे, 20% घर के किराए पे, तो 60 में से 20% दे दिया घर के किराए पे, तो बचे कितने 40%, 10% मनोरंजन पर, तो 40 में से 10 गए 30% बचा, 10% यातायात पर, अब 30 में से 10 गए तो 20% बचा। अब उस यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है, यानी कि 20% बराबर 1500 रुपये है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो 20% बराबर 1500 रुपये, तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 20% बराबर अगर 1500 रुपये है तो 20×5 100 हो गया, तो 15×5 7500, यानी उसका आंसर वैसे 7500 आएगा। फिर भी देख लेते हैं क्या है, तो उसका मासिक आय, राम का जो मासिक आय है वो कितना है, 100% है, और खर्च उसका कितना हो जा रहा है, खर्च हो जा रहा है उसका 40% भोजन पे, इसके बाद 20% घर के किराए पर, इसके बाद 10% मनोरंजन पर, इसके बाद 10% यातायात पर, तो उसके टोटल कितने हो जा रहे हैं, 80%। खर्च कितने हो गए, 80%, तो बचत उसकी कितनी हो रही है, 100% उसकी आय थी, 80% उसके खर्चे हो जा रहे हैं, बच रहे हैं कितने, 20%, और 20% की वैल्यू कितनी है, 1500 रुपये, 20% उसको दिया है 1500 रुपये, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1500/20, तो बोल रहा है उसकी मासिक आय, तो उसकी मासिक आय कितनी है, 100%, तो 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500/20 × 100, कैंसिल आउट करेंगे तो 5 बार 2 0 हैं, 5×5 25 5×5 2 7, तो उसकी जो मासिक आय है वो कितनी है, 7500 रुपये। क्लियर है, तो ये वाला तो बहुत सिंपल था। तो ये आप क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक आप करिएगा रिवीजन करिएगा, और उसको अगर कोई डाउट फिर भी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्लियर है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। क्लियर है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।